पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। हुकुम, एक बात पूछूं? अवश्य। आपने ये जो मंगलसूत्र पहना है, ये अधूरा क्यों है? आधा भाग खो गया। फिर मिला नहीं? ना ही मिले तो अच्छा है रानी सा। को मैं समझी नहीं, क्यों? हम यहाँ अपने रिश्ते को नई सांस देने आए थे, इस मंगलसूत्र के इतिहास की चर्चा करने नहीं। आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए हमने आपकी बात स्वीकार ली। आप विश्राम कीजिए। कल सुबह हम दोनों देवगढ़ के लिए रवाना होंगे। क्षमा कीजिए रानी साहब, हमने झूठ कहा आपसे कि हम आपको अपना बनाने के लिए आपके हाँ की प्रतीक्षा करेंगे। बहुत कर ली प्रतीक्षा, अब और नहीं। आपके शरबत में व्याप्त नशे के कारण आप सोचने समझने की शक्ति खो चुकी हैं। बस कुछ समय के लिए, आप केवल हमारी हैं। आपके असहज होने का कारण आप नहीं है, वो सोच है जो उस ध्रुव ने आपके मस्तिष्क में भर दी। हम तो जानते हैं कि हृदय से आप भी हमें अपना मानती हैं। जो कमी रह गई थी वो आज हम पूरी कर देंगे। पहले वो ध्रुव आ गया हमारे बीच और अब उसका दिया ये मंगल। परंतु आज आज हमारे बीच जो भी है वो जब तक तुमने सच्चाई थी, शराफत थी, मैं मजबूर था। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था, पर अगर अब तुम बेईमान बन ही चुके हो तो मेरे भी हाथ खुल चुके हैं। सूर्य प्रताप सिंह, मुझे पता था तुम तारा के साथ कोई ना कोई घटिया हरकत जरूर करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारे पीने के शरबत में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम्हारी ईंट का जवाब मैं पत्थर से दूंगा सूर्य प्रताप सिंह। ये खेल तुमने शुरू किया है पर खत्म मैं करूंगा। हुक्म, रानी सा के साथ देवगढ़ जाना चाहते हैं, उनका आदेश है। बाढ़ की लाई जाए। देवगढ़ कबर कैसे आए?
कुछ याद नहीं आ रहा। आप यहां हमारे साथ एक कक्ष में है, एक शैया पे। हम संगम रात में भले ही एक ना हो पाए हो, परंतु आपके हमारे समीप आने का शुभारंभ हो चुका है। चोर बना बाबा साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। हमें आपसे मासा से बहुत सारी बातें करनी है। आपकी मासा विश्राम कर रही है, जब वो उठ जाएंगी तब हम तीनों ढेर सारी बातें करेंगे। सॉरी बना, आप जाइए मीनाक्षी बुआ सा के साथ जाके खेलिए। जब मासा जग जाएंगी तब हम तीनों ढेर सारी बातें करेंगे। जाइए। जी बाबा साहब। शुरू ध्रुव, कुछ याद क्यों नहीं आ रहा कि हम प्रेमगढ़ से देवगढ़ कब आए, कैसे आए? हुकुम, हुकुम की जय हो। एक दुर्घटना हुई है, श्रीमान ध्रुव कारावास से निकल भागे हैं। हुकुम। आप क्या कर रहे थे? सैनिक बल से कहिए धरती आकाश पाताल जहां भी हो ध्रुव को ढूंढे और बंदी बना के हमारे पास लाए। जो 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 आ गया हुकुम। ओके जी हुकुम। आप कल हमारे साथ प्रेमगढ़ में हमारे सैनिक बल में थे। जी हुकुम। हमें बताइए हम प्रेमगढ़ से कब और कैसे आए। हुकुम, कल रात को ही आए। वो आपने आदेश दिया था कि पालकी को वापस देवगढ़ ले जाया जाए, तो आप और रानी सा गहरी नींद में थे, इसलिए आपको हैरान किए बिना आपके आदेश अनुसार हम कल रात को ही आपको देवगढ़ ले आए। जाइए ध्रुव को ढूंढिए। जो आज्ञा हुकुम। हमने आज्ञा दी। अरे कुछ याद क्यों नहीं? हुकुम की जय हो। आपने जो सामान लाने कहा था हम ले आए। चाहिए भाई साहब। भाई साहब का चेहरा मुरझाया हुआ है, अर्थात प्रेम महल में जिस मंशा से गए थे वो पूरी नहीं हुई। भाई साहब क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हम ठीक हैं। रानी साहब के साथ गांव वाले देवी मंदिर जाना चाहते हैं। ऐसे अचानक क्यों? आज होली का दहन का दिन है और हम चाहते हैं कि आज के दिन रानी साहब देवी माँ के दर्शन करें। मान्यता है जब एक सुहागन अपने पति का नाम लेकर वहां प्रार्थना करती है, प्रसाद चढ़ाती है, तो पति पत्नी के रिश्ते में पारंपर प्रेम बढ़ता है, सौभाग्य प्राप्त होता है, खुशियों का निवास होता है रिश्तों में। परंतु आप शायद भूल रहे हैं
आपकी रानी सा ध्रुव जी की पत्नी है, आपकी नहीं। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।